नौतपा आज से शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन भीषण गर्मी रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री पहुंच सकता है। नौतपा सोमवार 3 जून तक रहने वाला है। आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और इसके साथ ही सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ जाएगा, जिससे गर्मी में बढ़ोतरी होगी। मान्यताओं में इस समय को नौतपा और रोहिणी का तपना भी कहा जाता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा शुरू होता है। नौतपा यानी 9 दिनों तक सूर्य का तपना। ज्योतिषों में नौतपा को लेकर के कई मान्यताएं प्रचलित हैं। किसान इन 9 दिनों के मौसम को देख करके बारिश की भविष्यवाणियां करते हैं। नौतपा में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। नौतपा में क्या करें और क्या ना करें, इसको लेकर भी बात करते हैं। नौतपा में अधिकतर जगहों पर काफी अधिक गर्मी रहती है, लू चलती है, तो ऐसी स्थिति में गर्मी को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। दोपहर में धूप में घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में निकलना ज्यादा जरूरी हो तो पानी पीते रहें, ज्यादा देर धूप में खड़े ना रहें। हीट वेव से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार भी एक्शन मोड में है। पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। नौतपा सोमवार 3 जून तक रहेगा और आज सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है, तो वो हुआ है और इसके साथ ही सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ जाएगा, जिससे कि गर्मी में बढ़ोतरी होगी। मान्यताओं में इस समय को नवतपा और रोहिणी का तपना भी कहा जाता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नवतपा शुरू होता है। और गर्मी की अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक और वहीं गंगानगर से हमारे संवाददाता डीपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विवेक से। तो विवेक, गर्मी का जो सितम है वो 16 मई से ही शुरू हो चुका था। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पर पड़ रही थी, लेकिन अब जनता को गर्मी का डबल डोज भी सहना पड़ेगा, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है सूर्य और नवतपा लग चुका है, तो सूर्य की सीधे किरणें आज धरती पर पड़ने वाली हैं। तो क्या कुछ मौसम का हाल अब रहने वाला है? देखिए, राजस्थान में गर्मी का असर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और जो तापमान है हर रोज नए रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। शुक्रवार को राजस्थान का फलौदी जिला जो है सबसे गर्म जिला रहा और 39 डिग्री यहाँ का तापमान जो है वो दर्ज किया गया। आज सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपे की शुरुआत हो गई और ये माना जाता है कि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से सूरज जो है वो धरती के और करीब आ जाता है। ऐसे में धरती पर तापमान जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। नौतपे में 9 दिन जो है तापमान अधिक रहेगा और ये माना जा रहा है कि तापमान 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश शहरों में अब तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और लगातार गर्मी का असर बढ़ने से सड़कें सूनी नजर आने लगी है। अब जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है और पानी की भी किल्लत कई इलाकों में देखी जा रही है, तो गर्मी के साथ ही बिजली और पानी की किल्लत जो है वो लोगों की मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों की मुश्किलें कहीं और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 25 मई से 28 मई तक जो है भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। करीब 1 दर्जन जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गर्मी से राहत की उम्मीद जो है 28 मई के बाद मानी जा सकती है कि थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी, तापमान में थोड़ी जो है मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है। ऐसे में गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जो है वो फिलहाल 4 दिनों तक नज़र नहीं आ रही है। वहीं बात की जाए तो मानसून की, तो मानसून जो है वो अभी दस्तक देने में नहीं है। केरल के तट पर 5 जून के आसपास दस्तक देगा और राजस्थान में मानसून की एंट्री जो है 25 जून से 6 जुलाई के बीच मानी जा रही है। तो फिलहाल राहत की उम्मीद जो है अभी नज़र नहीं आ रही और गर्मी भीषण जो गर्मी जो है लोगों को खासा परेशान कर रही है।
एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, आम दिनों से कहीं ज़्यादा मरीजों का आंकड़ा जो है वो एसएमएस अस्पताल में मरीजों का देखा जा रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज, डिहाइड्रेशन के मरीज जो है सबसे ज़्यादा अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का असर बढ़ रहा है, लोग खुले में मजबूर है निकलने को, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा जो है सबसे ज़्यादा लोगों पर बन पड़ा है। लगातार डॉक्टर्स लोगों को गर्मी से बचाव की नसीहत दे रहे हैं, चेहरा ढककर निकलें, शरीर को पूरी तरह ढककर जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकलें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन और मिनरल्स के सेवन करें जिससे गर्मी से डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें अब प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, तो गर्मी की जो हाल है वो अब लोगों को बुरा हाल गर्मी कर रही है, और इंसान ही नहीं है पशु पक्षी भी जो है खासे परेशान इससे नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर भगवान की, तो भगवान भी इस गर्मी से अछूते नहीं है, और भगवान को भी इस भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए जल विहार झांकियां अब प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में सजाई जा रही है, जिससे भगवान को जो है शीतलता प्रदान की जा सके। जो उनके खान पान में है, भोग लगाने का है, उसमें बदलाव किया गया। जी विवेक, हमारे साथ संवाददाता डीपी शर्मा भी गंगानगर से जुड़े हुए हैं, तो हम उनका रुख कर लेते हैं। डीपी, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, लेकिन अब डबल डोज जनता को यहां पर सहना पड़ेगा, क्योंकि नौतपा आज से लग चुका है। तो ऐसे में बात करें श्री गंगानगर की, तो कैसा है वहां के मौसम का मिजाज और प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ है? जी श्वेता, मैं बता दूं, गंगानगर के अंदर, गंगानगर जो जिले के अंदर पिछले सप्ताह से लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी गंगानगर एक ऐसा जो राजस्थान का जो जिला है, इसके अंदर गर्मी हो या सर्दी, ये अपने रिकॉर्ड जो है अपने आप ही तोड़ देती है। तो ऐसे के अंदर पिछले दिनों से 45, 46, 47, 48 डिग्री तक ये जो पारा जो अभी पड़ रहा है, तो इसके अंदर आम जनजीवन के ऊपर इनका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी मैं मार्केट के अंदर खड़ा हूँ, सुबह करीब 9:30 का समय हो गया है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि बाजार अभी से सूनसान पड़े हैं, क्यों सुबह सुबह लू के दो थपेड़ों के चलते आम जनजीवन है वो अपने घरों में दुबका हुआ है। साथ ही साथ अभी आज से के जो नौतपा भी शुरू हो रहा है, तो अभी माना जा रहा है कि नौतपा के अंदर भी सूर्य देव अपनी प्रचंड जो गर्मी है वो उनसे की सीधी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो ऐसे के अंदर ये जो नौतपा शुरू होता है। मेरे साथ में पंडित जी खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, सर नौतपा आज से शुरू हो गया तो गर्मी का क्या असर होगा इसके ऊपर? जय श्री श्याम। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य शनिवार 25 मई सुबह 3:15 से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसके बाद 9 दिनों के लिए 2 जून तक नौतपा शुरू हो जाएगा। नौतपा एक ऐसा होता है, जब रोहिणी नक्षत्र सूर्य में होता है तो सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी के साथ में होता है, और प्रचंड गर्मी के होने की वजह से जिसका पारा 47, 48, 50 तक पार कर जाता है, जो कि अपना अनुपगढ़ क्षेत्र जो है एक ऐसा सूखा क्षेत्र है जिसकी वजह से यहाँ गर्मी पड़ना एक आम बात है, और वैसे भी नौतपा होने की वजह से अपने अनुपगढ़ जिले के अंदर और आसपास के जो भी गाँव के क्षेत्र है, यहाँ गर्मी बहुत ही भारी रूप से पड़ने वाली है इन 9 दिनों के अंदर। श्वेता, मान लीजिए पंडित जी की, तो इनका ये कह रहा है कि अनूपगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो जिला ऐसा है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी जो सारा तापमान है वो यही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो अभी गर्मी पड़ रही है, वो गर्मी और लू के चलते इन दिनों मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसमें जो उल्टी दस्त बुखार जुकाम के जो मरीज आ रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के चलते अघोषित बिजली कटौती भी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। अघोषित कटौती के कारण बिजली कटौती के चलते जो घरों में दुबके जो लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, साथ ही साथ व्यवसाय के ऊपर भी इसको काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे जो व्यापारिक जो संस्थान है, जो फैक्ट्रीज है, वो सारी की सारी बंद हो जाती है। तो ऐसे के अंदर ये गर्मी है इस समय प्रचंड जो अपनी तीव्र जो उसको देखने को मिल रही है। जी श्वेता, इसमें डीपी जी, डीपी हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, गर्मी का सितम लगातार जारी है, जनता गर्मी को तो झेल ही रही है, लेकिन अब गर्मी के साथ साथ कई समस्याएं भी जनता के सामने आती हैं, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है इस गर्मी के मौसम को लेकर के, बिजली और पानी के लिए क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं?
देखिए, हर साल गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही बिजली की किल्लत और पानी की किल्लत जो है वो जनता को झेलनी पड़ती है, और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में अब कूलर पंखे और एसी चलाने से जो है बिजली की मांग जो है वो आम दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर आ गया है। विद्युत विभाग के लिए से पाटना जो है वो परेशानी भरा साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो खुद इस पर चिंता जाहिर कर सुधार का निर्देश दे चुके हैं। वहीं पानी की बात की जाए तो प्रदेश के गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही अधिकांश जो जल स्रोत है, जो बांध है, उनमें पानी की जो है अब धीरे धीरे कमी देखी जा रही है, क्योंकि पानी का जो आवक थी वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी और अब गर्मी में पानी सूख रहा है। पानी की मांग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बांधों में पानी की स्तर है जो नीचे जाता जा रहा है। ऐसे में जलदाय विभाग जो है वो भी खासा चिंतित नज़र आ रहा है। आम दिनों में जो पानी की सप्लाई होती थी उसमें प्रेशर अच्छा रहता था, लेकिन गर्मी में पानी की सप्लाई जो है वो भी घट गई है और प्रेशर भी कम हो गया है। इसकी समस्या लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है तो टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार जो है गंभीर नज़र आ रही है। आज भी मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है बिजली और पानी की समस्या को लेकर, गर्मी में जिस तरह के हालात प्रदेश में है इसको लेकर एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। ये बैठक जो है सचिवालय में प्रस्तावित है। मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर बिजली पानी की प्रदेश में क्या स्थिति है, क्योंकि अभी गर्मी का असर जो है करीब एक महीने और आगे रहने वाला है। ऐसे में लोगों को निर्बाध रूप से बिजली और पानी की आपूर्ति हो सके, अगर पानी की किल्लत है तो उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है, कहां से और सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, बिजली की किल्लत जो है मांग और आपूर्ति में जो बड़ा अंतर है उसे किस तरह से पाटा जा सकता है, बिजली कटौती को किस तरह से रोका जा सकता है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर विभागीय के उच्च अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे और किस तरह से इस बिजली पानी की सप्लाई को जो है सुचारू रखा जा सकता है, इसी को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है आज ये समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। जी विवेक, तमाम मौसम का अपडेट देने के लिए विवेक धन्यवाद, और इधर डीपी शर्मा मौसम का अपडेट देने के लिए धन्यवाद। गर्मी में पशु पक्षियों का भी